इस भुगतान पद्धति, आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए इस भुगतान पद्धति में क्या होता है कि आपको जो होता है कि डाउन पेमेंट के साथ आप उसी समय जो है वस्तु का आप क्या करते हैं मालिक हो जाते हैं, समझ गए आपको ना, माने उसी समय उस वस्तु का क्या होते हैं मालिक हो जाते हैं। लेकिन हायर परचेज सिस्टम ऐसी बात नहीं होती है, जब तक आप अंतिम किस्तों का भुगतान नहीं करते हैं तब तक उस वस्तु का मालिक नहीं बन सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपका सवाल में हम लोग चलते हैं लेटेस्ट नंबर वन। सबसे पहले इसमें हम लोग जो परफॉर्म बनाएंगे एनालिटिकल टेबल बनाएंगे उसमें निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, हम लोग इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे थोड़ा सा इसमें बात को ध्यान दीजिए। जैसे आपका जो सवाल में दिया हुआ है कि वेगन कंपनी से वेगन खरीदा है जिसका नगद मूल्य आपको कितना दिया है 11,000, कितना दिया है 175 रुपया दिया है, कितना दिया है 11,100, कितना दिया है 75 रुपया दिया है। अगर तुम अगर जो है नगद में कोई वस्तु खरीदते हो तो तुमको कितना लगेगा 11,100, कितना लगेगा 75 रुपया ही लगेगा। अगर नहीं, अगर हम इंस्टॉलमेंट में हम इसको क्या करते हैं खरीदते हैं, ये इंस्टॉलमेंट का होता है शॉर्ट में IPS, क्या होता है IPS, इसको चैप्टर का शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। देखा इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या होता है सिस्टम होता है। चलिए तो हम लोग चलते हैं कैश प्राइस है 11,100, कितना दिया है 75 रुपया दिया है कैश प्राइस, ठीक है। उसमें डाउन पेमेंट कितना किया है 3,000, कितना डाउन पेमेंट किया है 3,000 डाउन पेमेंट किया है। इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना निकल गया 8,100, कितना गया 75 रुपया निकल गया। और आपका दिया हुआ 5% आपका क्या दिया है इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना परसेंट 5% आपका क्या दिया हुआ है, तो मैंने 8,175 गुने 5%, अरे 5% को निकालेंगे 5% कितना 100, इसी को हम लोग कहते हैं तो निकल गया 408.75, कितना निकल गया 75, कितना निकला है 408.75, कितना निकला है 75 आपका, ये क्या निकला है इंटरेस्ट। आइए हम लोग इंटरेस्ट में चलेंगे तो इसमें इंस्टॉलमेंट आपका कितना दिया है, इच इंस्टॉलमेंट आपका दिया है कितना का, कितना का दिया 3,000 का इंस्टॉलमेंट दिया है। अब 3,000 में से जितना इंटरेस्ट आया है उतना इंटरेस्ट घटा देंगे और निकल गया 2,551 रुपया, कितना निकल गया 25 पैसा। पर हम लोग पॉइंट के बाद काउंटिंग है 1-2 कनेक्ट करते हैं 2-5 इसका हो गया। आइए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में जितना ये इंस्टॉलमेंट आया है वो इसको इस साइड में हम लोग क्या करें घटा देंगे, 8,175 रुपया है उसमें से 2,551 रुपया 25 पैसा क्या करेंगे घटा देंगे तो निकल जाए कितना 5,583.75, कितना निकल गया 75 पैसा निकल गया। फिर सेकेंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे तो 5,583.75 उन्हें 5,100 इसको हम लोग काटेंगे तो निकल गया 279.19 आपको निकल गया। क्यों, यहाँ आपका जो दिया दो अंक देख रहे हैं या दो अंक में के आगे जो है 7 है, जो 5 या 5 से अधिक रहेगा तो इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए अप्रोक्स कर दिए हैं, यह आपका 19 पैसा निकल गया है 19 ऐसे आपको निकल गया है। फिर इसको जो है हम लोग क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट में से क्या करेंगे घटाएंगे, इंस्टॉलमेंट आपका दिया 3,000 का, 3,000 में से इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे तो निकल गया 2,720 रुपया आपको 8.1 पैसा निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे फिर कैश प्राइस में से उतना पैसा घटाएंगे 2,720.81 पैसा घटाएंगे तो निकल गया 2,862.82, कितना निकल गया 9.04 पैसा निकल गया। जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट का काम करेंगे कितना जो इनका लास्ट इंस्टॉलमेंट का काम करेंगे तो इंस्टॉलमेंट में से ही आपका ये टोटल पैसा आपको क्या करना पड़ेगा घटा देना पड़ेगा। जैसे इंस्टॉलमेंट आपका कितना दिया 3,000 का दिया ना, कितना का दिया 3,000 का इंस्टॉलमेंट दिया है, 3,000 में से 2,862 कितना है 94 पैसे है, वो पैसे हम क्या घटा देंगे तो कितना निकल गया 137.06 रुपया आपको निकल गया, समझ गए। उसके बाद हम लोग टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए जितना भी इंटरेस्ट है वो टोटल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट जितना है उसको लिख देंगे, सेकेंड इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, थर्ड इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, यह निकल गया 825 रुपया, कितना निकल गया 825 रुपया आपको निकल गया, समझ गए बात को ना। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। प्रत्येक ईयर का हम लोग डिप्रिसिएशन जितना साल के लिए बनाने में करता है उतना साल के लिए हम डिप्रिसिएशन भी क्या करेंगे निकालेंगे। जैसे 3 साल का हम इंटरेस्ट निकाले हैं तो 3 साल का आपको क्या निकालना पड़ेगा डिप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, फर्स्ट डिप्रिसिएशन है कैश प्राइस कितना दिया है, देख लीजिए कैश प्राइस आपको दिया है 11,100, कितना दिया 75, 11,175 का आपको 10% देंगे, 0 से 0 काट देंगे तो आपको कितना निकल गया मान निकल गया 1,175.5 पैसे आपका डिप्रिसिएशन निकल गया। फिर सेकेंड में हम कैश प्राइस निकालेंगे, फिर 11,175
पॉइंट जीरो है पैसा है, उसमें से 1117 पॉइंट कितना 5 पैसे घटाएंगे तो आपको निकल गया 1000, कितना निकल गया 57 पॉइंट कितना 5 पैसे निकल गया। फिर उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सेकंड डिप्रिसिएशन निकालेंगे, वो के जीरो से जीरो कैंसिल होगा, ये आपको निकल गया 1005 पॉइंट कितना 7 पैसे निकल गया। फिर कैश प्राइस निकालेंगे इसका 10057 50 में से आपको 1000 आपको 1000 कितना है 5.75 पैसे से घटाएंगे तो कितना निकल गया 9051 पॉइंट कितना 75 पैसे निकल गया। फिर 30% इस पर निकालेंगे तो आप काट देंगे तो कितना निकल जाएगा इसका 905.175। इसी को अप्रोक्सीमेशन करेंगे, हम बताए थे 5 या 5 से निकलेगा तो उस पर हम जोड़ देंगे तो 905 पॉइंट कितना 18 आपको पैसे अप्रोक्सीमेशन में आ गया। तीनों साल का हमको डिप्रिसिएशन क्या होगा निकल गया। आइए हम लोग चलते हैं, आप जनरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे जनरल बनाएंगे, जनरल जनरल के लिए आपका एंट्री है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू ग्लोरी कंपनी लिमिटेड, ऊपर हम लोग हेडर लिखेंगे डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो डीआर अमाउंट सीआर अमाउंट। ये हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे परफॉर्म बना लेंगे, परफॉर्म बनाने के बाद आप लिखेंगे कब से चालू है 2016 को जो है 2016 को 1 अप्रैल को जो है क्या किया है वेगन परचेज किया है, वेगन कंपनी से क्या परचेज किया है वेगन परचेज किया है। हम जनरल जानते हैं इसका जनरल क्या बनता है, एसएस अकाउंट डीआर इनपेस सस्पेंस अकाउंट डीआर तू बनता है वेंडर अकाउंट, वेंडर का मतलब होता है सेलर, मतलब बेचने वाले को हम लोग क्या कहते हैं वेंडर बोलते हैं, यहाँ वेंडर का नाम नहीं दिया है इसीलिए हम वेगन कंपनी को क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं। तो यहाँ होगा वेगन, वेगन से अकाउंट भी यार इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी यार तू लिखेंगे वेगन कंपनी का अकाउंट। अब वेगन का कितना कैश प्लस है 11175 रुपया, आज आप निकाले हैं टोटल इंटरेस्ट हम आपको निकाले हैं कितना निकाले हैं 825 रुपया, वही जोड़ दिए जो एक कंपनी का 12000 रुपया। उसके बाद हम लोग बनाएंगे किसका इंटरेस्ट डाउन पेमेंट का, किसका बनाएंगे डाउन पेमेंट का, डाउन पेमेंट में वह कंपनी क्या करे पा रही है तो पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं नाम लिखते हैं वह कंपनी अकाउंट डी आर लिखते हैं कैश अकाउंट 3000 रुपया। उसके बाद ये आपको 2016 में पेमेंट हो गया, जब आप लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो ये अर्ली होता है 1 साल के बाद फिर करना है तो 2017 हो गया, 2017 के मार्च 31 को हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसका इंस्टॉलमेंट का क्या करेंगे पेमेंट करेंगे तो वेगन कंपनी अकाउंट भी आपको लिखेंगे कैश अकाउंट 3000 रुपया। उसके बाद उस साल का इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट अकाउंट भी आपको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मैंने 408.75 आपका इंटरेस्ट क्या हो गया। उस साल का आपका डिप्रिसिएशन का बनाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट भी यार तू क्या लगेगा वेगन अकाउंट 1117.5 पैसे। उसके बाद इंटरेस्ट और क्या करें डिप्रिसिएशन दोनों को पीएल में क्या करना पड़ता है ट्रांसफर करना पड़ता है, वो पीएल में ट्रांसफर का एंट्री बनाएंगे पीएल अकाउंट भी यार तू लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट और तू लिखेंगे क्या लगेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। आइए उसी साल का इंटरेस्ट आपको कितना दिया 408.75 पैसे, उसका डिप्रिसिएशन कितना दिया 1117.50 पैसे। ये आपको देख करके उसी प्रकार से आप सेकेंड ईयर का और क्या थर्ड ईयर का भी आप क्या कर जनरल क्या कर सकते हैं बना सकते हैं।